दोस्तों लगातार पांचवी हार के बाद भी आरसीबी की टीम पहुंच सकती है वुमेन्स प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में, तो वो कौन सा रास्ता बचा है आरसीबी टीम के पास, बताएंगे आपको आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी आरसीबी टीम के हैं बड़े वाले फैन तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत 4 मार्च 2023 से हुई थी, जहां कुल 5 टीमें वुमेन्स प्रीमियर लीग में खेल रही है, जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन वुमेन्स प्रीमियर लीग में अब तक बहुत ही शानदार रहा है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल की पहली और दूसरी पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का प्रदर्शन इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में अब तक बहुत ही खराब रहा है। आरसीबी की टीम अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है और सभी में आरसीबी की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। आरसीबी की टीम अभी भी पहली जीत की तलाश में है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की टीम अभी भी वुमेन्स प्रीमियर लीग में क्वालिफाई कर सकती है। अगर आरसीबी टीम को क्वालिफाई करना है तो आरसीबी के बचे 3 मुकाबले किसी भी हाल में जीतने होंगे, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स की टीम को हराना होगा, और उसके बाद दोस्तों गुजरात की टीम को यूपी वॉरियर्स को हराना होगा, तभी जाके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम वुमेन्स प्रीमियर लीग में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा होना नामुमकिन है। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी और आरसीबी फैन के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी साबित होगी। वैसे दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।